आज दिनांक 19 नवंबर और शाम लगभग आपका 7:00 पर मैं ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। और अभी छिबरा मुंह के एनडी कोल्ड स्टोर में है भाई साहब। और क्या गाड़ी खड़ी है आपको बताएं, देखो 1, 2, 3 और एक खड़ी है उसके उस पार 4, और चारों गाड़ी में लादा जाएगा माल। इस ट्रक में लदेगा न्यू हाईलैंड आलू, और इस डीसीएम में लदेंगे मतलब कि सफ़ेद छट्टा आलू, और उसमें कुछ आलू लदने वाला है। और इधर अभी बरामदा पहले दिखा दें। ओ भाई खूस दिया। हाँ तो इधर देख पा रहे हो आप लोग, ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये देखो भाई। और इधर देखो बरामदा में, ये देखो बरामदा में टोटल आलू जो है। तो आप लोग देख लीजिएगा अभी क्या है, कोल्ड स्टोरों में जो है धड़ाधड़ मतलब जो है निकासी जो है चल रही है। और इस कोल्ड स्टोर के जो मैनेजर हैं, हमने उनसे बातचीत किया है, उनके कहने का मतलब ये है कि कोल्ड स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार बोरी रह गई हैं। और ये देख पा रहे हैं ये जो है न्यू हाईलैंड आलू की जो भी गिरनी वगैरह चल रही है, भराई चल रही है, और उसकी जो है विल्टी पे बिक्री हुआ है। न्यू हाईलैंड आलू है टोटल ये, ठीक है। और कोल्ड स्टोर में अंदर माल हो रहा क्या, कितना होगा अभी? अरे भाई झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ तुम बताओ, झूठ। लगभग बोरी जो है ज़्यादा ज़्यादा 4-5 हज़ार बची होगी ऐसा बता रहे थे इस मैनेजर साहब, भी बात कराते हैं आपकी। मैनेजर साहब बताएंगे, ये है हमारे यहाँ एनडी कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब जितेंद्र भैया। साहब बताओ क्या पोजीशन है अपने कोल्ड की, मतलब खाली की स्थिति में अभी लगभग कितनी बोरियाँ होंगी इसमें? 2-3 हज़ार पैकेट होगी। मशीन वगैरह अगर होंगी तो मशीन वगैरह बंद कर दिया अभी चल रही है? अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक महावीर कोल्ड है जो कि अपना ही नहीं एक ही मालिक का, उनमें कितना होगा अभी उसका रिश्यू नहीं है। ये थे इस कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब, और इन्होंने बताया कि इस कोल्ड स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार बोरी रह गई हैं, और बिल्कुल मतलब कि खाली होने की कगार पे है, साफ सफाई होने वाली है। और अभी क्या है सभी लोग सोच रहे भाई क्या होने वाला है, वो अभी फ़िलहाल में जो भी जिनका भी बीजा गुल्ली किर्री जितना रह गया है वो फेंकेगा, राशन आलू बिकेगा ऐसा लग रहा है। आप भैया व्यापारी है क्या? भैया कहाँ से आए आप? छिबरा मुंह। तो जैसा कि आप अभी सभी किसान भाइयों ने सुना और देखा भी, और थोड़ा हम भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ छिबरा मुंह क्षेत्र में मतलब जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं भाई, देखो सही बात है कि सब खाली होने की कगार पे हैं। एक तरीका का अगर बोला जाए तो साफ सफाई होने की कगार पे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं भाई साहब जितना जितना भी माल था सभी माल जो है कोल्ड स्टोर से बाहर निकाल दिया गया है। और भाई देखो यार जिसके कोल्ड स्टोर में आपकी 1,000, 2,000, 3,000 बोरियां रह जाएंगी वो तो मशीन नहीं चलाएंगे, वो तो कोल्ड स्टोर को खाली ही कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ छिबरा मुंह के लगभग 4-6 कोल्ड स्टोर जो हैं बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और नहीं हुए हैं तो 2-3 दिन में वो भी हो जाएंगे। और आगरा और वेस्ट बंगाल के लिए अभी तो हम आपको बताते ही आ रहे हैं, लगभग आपका 1.5 से लेकर 1.5 महीना आराम से है। अब आगरा में जितना माल बचा लगभग 10% माल बचा है, ठीक है, 10% में से 5% माल ऐसा भी होगा जो कि आपको मतलब कि बीजा होगा ना, तो बीजा और गुल्ली और किर्रे का तो कोई अब काम नहीं रह गया है क्योंकि अब बिजाई का समय तो बिल्कुल चला गया है। इक्का दुक्का जगह पे बची होगा तो बचा होगा, वरना बीजा का तो काम बिल्कुल समाप्त हो गया है। राशन आलू जो है जितना भी है राशन आलू, हो सकता है मतलब जिसके मतलब जो लोग बताएं अभी फ़िलहाल में कोई सस्ता नहीं बिक रहा है, जो लोग एक बार तेज़ी को देख लेते हैं ना उनको फिर तेज़ी नज़र आती है। अब क्या लग रहा है वो दोबारा सोच रहे हैं 700-800 रुपये बिकेगा तब बिक्री करेंगे, और किसान होशियार भी बहुत होते हैं कि एक बार दाम बढ़ने के लगे रुक जाते हैं, तो ये सब आपकी गलती है, ठीक है, ये सब आपकी गलती है। दाम बढ़ता है तो बिक्री कर दो, लेकिन हाँ फिर भी हम कह रहे हैं भैया टाइम है आराम से, आपको जब सही लगे तब आप निकालना, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि ना निकालो। अब दाम क्या है, जो दाम चल रहा है वही चलेगा यार, और हो सकता है भाई बढ़ जाए, मुश्किल है,
क्योंकि कोल्ड स्टोर थोड़े नहीं चलते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोल्ड स्टोर तो आपके नवंबर के लास्ट तक ही चलेंगे, मतलब नवंबर महीने तक ही चलाए जाएंगे। चलो कोई नहीं, जो पोजीशन था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और जो स्थिति थी मैंने आपको बता दी है। तो कुछ किसान भाई हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका जो साडावीर दवा है वो किस काम के लिए आती है और कैसे मिलेगी। साडावीर जो दवा है आपकी, साडावीर आलू स्पेशल, मतलब कि धाकड़, साडावीर कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब बहुत दिनों से कार्य कर रही है और इसको पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज करते हैं और बाराबंकी साइड के, फतेहपुर साइड के, वो कुछ वेस्ट बंगाल के साइड के भी लोग इसको यूज़ करते हैं। और जिन जिन किसान भाइयों ने यूज किया है, हमने उनसे बात किया है ये प्रोडक्ट कैसा है, तो उन लोग बताए हैं कि प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा निकलता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं भी सोच रहा था कि लोग पूछते रहते कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लगाएं जिससे कि हमारे आलू में उत्पादन बढ़ के मिले और आपका जितने भी रोग आते हैं वो कोई रोग ना आए। तो आपका ये है साडावीर का धाकड़ प्रोडक्ट है, आपको सामने डिस्प्ले पे दिखाई भी दे रहा है। ये प्रोडक्ट आपका उत्पादन बढ़ के देता है, अगौती झुलसा पिछौती झुलसा से बचाता है और आपके मतलब और भी कई मतलब कि आपका ये जो है फंगस फंगस फाइडर आता है और भी कई चीज़ें आती हैं साडावीर कंपनी की। जिस किसी किसान भाई को चाहिए होगी ना तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर चाहिए होगा तो आपको आपके भाई भाई आपके क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं मिलता होगा तो आपको दिलवा दिया जाएगा। दूसरी बात मल्टीप्लायर की आती है। मल्टीप्लायर जो है ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाता है, मिट्टी को बलवान बनाता है। सीधी बात समझो यार, जब हमारी मिट्टी सही होगी तो हमारे खेत में जो भी पौधे हैं वो अच्छे से उगेंगे और मिट्टी जब सही होगी तो आपकी जड़ सही होगी तो तना भी मजबूत होगा, तने में भी कोई रोग वगैरह नहीं लगेगा। अधिक जानकारी तो हम फोन पे ही दे सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग जो है लेने के लिए संपर्क कर सकते हो, आपको जो डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे।